हम बात करते हैं डायबिटीज की। डायबिटीज एक महामारी बन चुकी है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में हैं। जी हाँ दोस्तों, और WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में डायबिटीज की 44 करोड़ लोग यानी कि डायबिटिक पेशेंट हैं। दोस्तों आज जिनको डायबिटीज है उनको सबसे ज्यादा ध्यान खान पीन का करना होता है। दोस्तों आज मैं बताता हूँ कि कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनको खा के आप डायबिटीज को कम की जगह और बढ़ा देते हैं। दोस्तों बात करते हैं आलू की। आलू डायबिटीज के पेशेंट के लिए सही नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से शरीर में ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों शकरकंद की बात करते हैं। शकरकंद तो वैसे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सब्जी होती है और हर किसी को शकरकंद मोस्टली अच्छी लगती है। वैसे तो शकरकंद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से शकरकंद की सब्जी डायबिटिक पेशेंट के लिए सही नहीं मानी जाती है और उससे शुगर बढ़ सकता है। बात करते हैं मक्का की। मक्का या स्वीट कॉर्न ये भी डायबिटिक के मरीजों के लिए सही नहीं माना जाता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यहाँ पर शुगर पेशेंट के लिए ये मक्का किसी भी सूरत में सही नहीं माना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं हरी प्याज की। जी हाँ दोस्तों, स्प्रिंग अनियन, यहाँ पर इसमें अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो बहुत हाई होता है लेकिन ये शुगर बढ़ा देता है। तो दोस्तों किसी भी सूरत में हरी प्याज खाना डायबिटिक के पेशेंट के लिए सही नहीं होता है, उससे ब्लड शुगर हाई हो जाता है, इसलिए इस सब्जी को खाने से ब्लड शुगर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। दोस्तों बात करते हैं चुकंदर की। सेहत के लिए चुकंदर सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है लेकिन अगर डायबिटीज में चुकंदर का जूस बनाकर अगर आप पीते हैं तो इससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। खाने पीने की चीजों के अलावा डायबिटीज के मरीजों को योगा और एक्सरसाइज की आदतें भी डेली रूटीन में अपनानी जरूर चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतजार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। दोस्तों जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के